गुड़ियों के साथ खेलने वाली उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। वो जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रहीं और भटकती रहीं, पर उनको मोहब्बत में सिर्फ बेवफाई हासिल हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी की। मीना कुमारी को इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। 1 अगस्त 1933 में जन्मी मीना कुमारी के माँ बाप ने उनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद उनका नाम मीना कुमारी कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मीना कुमारी की लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो इंडस्ट्री को दिया उसे कोई भुला नहीं सकता। मीना कुमारी को लोग आज भी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से याद करते हैं। सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने कई दर्द भरे रोल निभाए हैं और जिनमें उनकी बेमिसाल एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर फिल्में क्लासिक मानी गई। अपनी ज़िंदगी में मीना कुमारी ने सबको प्यार दिया, पर उनको प्यार नसीब नहीं हुआ। उन्होंने डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद दोनों में दूरियां आ गईं और उसके बाद मीना कुमारी उदास रहने लगी। अपनी उदासी में उन्होंने शराब को सहारा बना लिया और एक ऐसा टाइम आया कि उनको शराब की ऐसी लत लग गई कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उनका लीवर भी खराब हो गया। मीना कुमारी की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से उन्हें लगभग 4 बार फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। 3 दशक तक अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने के बाद 31 मार्च 1972 में मीना कुमारी हम लोग को अलविदा कहके चली गई। तो ये थी बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी की कुछ अनकही बातें। आज उनकी 85वीं जयंती पर हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भी ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल utterpradesh.org।